क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे थे वसुधैव के बारे में। वसुधैव ने 60,000 रुपीस इन्वेस्ट किया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर और रेट कितना लगा था 12% पर एनम। इसमें हमें निकालना था वो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट वो 6 महीने बाद। फर्स्ट क्वेश्चन में तो 6 महीने बाद कितना अमाउंट पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है 6 मंथ। तो जब 6 मंथ दिया है ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला जा रहा है हाफ ईयरली हाफ ईयरली कब तक 6 महीने। तो कितने 6 महीने आ रहे हैं 21 महीने आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अमाउंट पी 1 प्लस आर 100। अब यहाँ पर पी की वैल्यू आप देख रहे हैं 60,000 1 प्लस रेट आपका कितना है 12% सॉरी यहाँ पर एक चीज कर लीजिए जब हम हाफ एंट्री निकालते हैं तो जो रेट हमारा होता है क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ 6% सॉरी 12%। तो 12% का हाफ करेंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा 6% हाफ हो जाएगा। इसे हम पहले जान सकते हैं कि जब हाफ एवरी होता है तो रेट हमारा क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो ऐसे में रेट हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 100 और इसकी पावर एम की वैल्यू कितनी है 1। अब इसे सॉल्व करते हैं 60,000 या हमारा हो जाएगा 106/100। इसे जब सॉल्व करेंगे ये 20 से 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 63,600। अमाउंट कितना आ जाएगा 63,600। तो लिखेंगे आंसर इसका ये मुझे ₹63,600 आफ्टर 6 मंथ। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि वो 6 महीने बाद 63,600 रुपीज गेट करेंगे पाएंगे। इसे कर लेंगे अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आफ्टर 1 एक साल बाद जब एक साल बाद यहां पर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी क्योंकि हम फिर जब निकाला जा रहा है 6 महीने में निकाला जा रहा है एक साल में कितने 6 महीने आ जाएंगे 2 इस वजह से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। तो सेम यही प्रोसेस होगा केवल यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और इस जाते से प्रोसेस आप जो है इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से आप आए होंगे ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।